जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? अमावस का एक अचूक उपाय। अमावस का हमारी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ों के साथ संबंध होता है। कुंडली के अंदर अगर सूर्य राहु से या केतु से किसी भी प्रकार से कनेक्शन रखता है तो ये अमावस आपके जीवन पे अलग अलग तरह के प्रभाव छोड़ती है। जैसे कि अमावस जब जब पास आने लगती हैं तब तब हमारे शरीर की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अगर राहु का कनेक्शन आपके सूर्य के साथ है तो आपको नसों में दिक्कत होगी, आपको कहीं ना कहीं से एसिडिटी, गैस्ट्रिक, ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी। अगर केतु के साथ आपका संबंध है तो आपको पैरों में प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगेगी, आपको यूरिनरी एरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगेंगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स जैसे ही अमावस आती है ना, वैसे ही स्टार्ट हो जाती है। जिन लड़कियों का, जिन लेडीज़ का कनेक्शन कहीं ना कहीं राहु, केतु, सूर्य और साथ में मंगल के साथ बन जाता है, ऐसी लड़कियों को अमावस आते आते या अमावस के आसपास बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अपने हार्मोनल डिस्टरबेंस से। मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हार्मोनली कोई ना कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट करने लगती है। या तो आपकी बॉडी में मोटापा आने लगेगा, या अचानक से आप पतले होने लगोगे, या आपको सूजन बढ़ने लगेगी। कुछ भी हो सकता है जो आपके हार्मोन से कनेक्टेड होगा, लेकिन आपको दिक्कतें आएंगी। और ये चीज़ 8 साल की बच्ची से लेकर 100 साल की लेडी तक हो सकती है। ये कनेक्शन बड़ा खतरनाक हो जाता है जब अमावस का टाइम आता है। ऐसे ही जिस किसी की कुंडली में लग्न के साथ संबंध बन रहा हो राहु का और सूर्य का, ऐसे व्यक्ति को अमावस आते आते मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगती है। कुछ लोगों को ऐसे टाइम पर इरिटेशन बढ़ जाती है, उनका गुस्सा बढ़ जाता है, उनकी ज़िद बढ़ जाती है। अब कोई आपको ऐसी स्थिति में समझा सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो है किसी ने तंत्र कर रखा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, आपके ऊपर किसी का कुछ करा कराया है इसलिए दिक्कत आ रही है, लेकिन ये जो कनेक्शन है ये ग्रहों का भी होता है। कुंडली में क्या चीज़ आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है, ग्रह या कुछ किया कराया या किसी गलत तरीके का कोई टोटका आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, ये जानना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान है। ये भी अपने आप में किसी की चीज़ों को बाहर निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है जो हर कोई नहीं कर पाता। लोग सिम्टम्स देखकर ये बताने लगते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। आप कुंडली के अंदर भी तो देखिए, हो सकता है ये ग्रहों का प्रभाव हो। तो जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य, राहु, केतु का उसके लग्न के साथ कनेक्शन होगा, ऐसे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी। तो ऐसे व्यक्ति को अमावस की रात्रि में, मतलब कि दिन छुपने के बाद, ऐसे व्यक्ति को किसी भी काली माँ के मंदिर में जाकर 7 नींबू जिसके ऊपर आप सिंदूर छिड़क देंगे ज़रूर चढ़ा कर आने होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पीपल के नीचे दिया अमावस की रात्रि में ज़रूर प्रज्वलित करना होता है। अब कुछ कुंडलियों के अंदर पितृ दोष होते हैं, पितृ दोष का कनेक्शन फिर वही आ जाता है। शनि, सूर्य, राहु, केतु, ये 4 ही ग्रह ऐसे हैं जो आपके पितृ दोष को बढ़ावा देते हैं और इसको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट देने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो अगर पितृ दोष आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, अब कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि पितृ दोष कौन सी उम्र से होता है, पितृ दोष आपको 14 साल की उम्र से इफ़ेक्ट करना चालू कर देता है और ये आपके लाइफ लॉन्ग चलता है, इसका कोई एंड नहीं है, इसका डेड एंड कोई भी नहीं है। बस इसका तरीका ये है कि या तो छोटे छोटे उपाय करते रहिए तो ये आपसे दूर रहेगा, या इसकी ढंग की पूजा कराकर इसको हमेशा के लिए शांत करके एक जगह बैठा दीजिए। यही 2 तरीके हैं जिससे आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं तो अमावस उसके लिए सबसे बेहतरीन दिन होता है। अमावस को
आपको पितृ दोष को शांत करने के लिए किसी कौड़ी को, किसी अपाहिज इंसान को, किसी विकलांग इंसान को आपको अपने हाथ से अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष हैं तो आपको अमावस के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष आपको भाग्य में अवरोध पैदा कर रहा है तो पितरों के नाम से तर्पण करके ब्राह्मणों को भोज कराइए या उनका दान जरूर करिए। जिस किसी की कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, ये भी तो राहु और केतु की वजह से होता है ना, वैसे हर पंडित आपको ये बता देता है आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष को पढ़ना भी अपने आप में एक कला है भाई। 108,000 तरह के काल सर्प दोष होते हैं, लेकिन वो कौन से प्रभावी हैं और कौन से नहीं हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका काल सर्प दोष सच में आपके लिए नेगेटिव है तो आपको अमावस के दिन अपने घर से दूर पहला जो मंदिर पड़ता हो, आसपास नहीं चाहिए कि घर से निकले और 10 कदम पे मंदिर है, नहीं, कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर बाद जो पहला मंदिर आता है वहाँ पर जाकर 7 जटा वाले नारियल चढ़ा देने चाहिए। और मंदिर किसी का भी हो, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बॉर्न नहीं करूँगी कि आप ठाकुर जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, देवी माँ के मंदिर जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, लेकिन वो आपके घर से थोड़ा दूर पहला मंदिर होना चाहिए। आप उस मंदिर में जाकर 7 जटा वाले नारियल चढ़ा दीजिए और उसी मंदिर की 7 परिक्रमा करिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके काल सर्प दोष से आपको निजात मिलती है। काल सर्प दोष से अमावस के दिन निकलने के लिए एक और बहुत छोटा तरीका होता है, बहते हुए जल के अंदर आप सफ़ेद जो बताशे आते हैं वो 7 अगर जल प्रवाह कर देते हैं तो इससे भी आपके काल सर्प दोष में आपको राहत मिलती है। अमावस घर के अंदर बहुत सारे लोग करते हैं। वैसे तो पितृ अमावस सबसे बड़ी मानी जाती है जो श्राद्ध पक्ष में आती है, लेकिन कुछ लोग अपने घर की हर 12 अमावस को बहुत बड़ा मानते हैं। कई लोग पितरों को जागृत करते हैं, बुलाते हैं, पितृ रात्रि करते हैं, पितरों को रात को जगाते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो अमावस पर करी जाती हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगी जो आपको अमावस की रात्रि में करना है, जिससे आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, साथ ही साथ में आपको विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको अमावस की रात्रि में एक आटे का दिया जलाना है और ये दिया जो है ये घी का होगा। घी का दीपक जलाकर आपको अपने मंदिर में एक प्लेट के ऊपर कुछ दाने पीली सरसों के बिखेर देने हैं और उसके ऊपर आपको ये दिया रख लेना है। उसके पश्चात आपको अपने मंदिर में बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप वहाँ पर बैठकर, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के कम से कम 11 माला जाप करने हैं। अमावस की रात्रि पे करा हुआ ये एक छोटा सा उपाय आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी दिलाता है और साथ ही साथ में आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। अमावस एक सिद्ध तिथियों में मानी जाती है। अमावस जितनी ज़्यादा लाभप्रद होती है उतनी ही इस रात की बहुत हानि भी होती है। अक्सर लोग मानते नहीं हैं, खास करके आजकल की मॉडर्न लड़कियां जो इन चीज़ों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती हैं, लेकिन जब ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, अचानक से बॉयफ्रेंड डिच करके चला जाता है, अचानक से ब्लॉक कर देता है, तब घूमती हैं, फिर पूछती हैं पंडितों से क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई। तो पहले ही ध्यान रख लीजिए, अमावस अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त प्रभाव देने वाली रात है। इस रात्रि में बाल खुले रखकर बिल्कुल भी मत सोइए। इस रात्रि में गीले बालों से, खुले बालों से घर के बाहर बिल्कुल मत जाइए। खास करके प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिन लड़कियों के पीरियड्स चल रहे हों वो चौराहा बिल्कुल इस समय में ना लांघें। अगर आपको किसी वजह से लांघना पड़ रहा है तो हाथ में 2 लौंग रख लीजिए या 1 चाकू रख लीजिए ताकि आपको इसका दुष्परिणाम ना मिले।
छोटी छोटी बातों से अपने जीवन में कोई दुष्परिणाम ना आए इसका प्रयास करते रहिए। ये बातें सिर्फ बातों की नहीं होती, इनके साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं और ये आपके जीवन के ग्रहों के साथ अपना विशेष संबंध बनाते हैं। आशा करती हूँ मेरी इन बातों से आपके जीवन पर प्रभाव ज़रूर आएगा। आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपकी कुंडली में काल सर्प दोष पितृदोष किस लेवल का है, आपके लिए कितना ज़्यादा लाभप्रद है या आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, आपकी कुंडली में बैठे हुए दोषों से आपके जीवन में क्या नुकसान हो रहा है, क्या सच में आपका भाग्य किसी काम का नहीं है या आपके भाग्य को जागृत करके आपके जीवन की सारी मनोकामनाओं को सिद्ध किया जा सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, अपनी जन्म पत्री दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए और जन्म पत्री आपकी जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो मैं ही देखूंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए माँ त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। माँ त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी माँ त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।